बात विधानसभा सत्र की करते बता दें आपको, आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट आज पेश होगा। बता दें विधानसभा में सदन में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह आरोप पत्र देंगे और 5 दिन ये सत्र चलेगा। आज से शुरू हो रहा ये सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिवसीय मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा करेगा। किसान, बेरोजगारी, महंगाई, इसके साथ ही प्रदेश के कई मुद्दे जिन पर सरकार को घेरा जाएगा। रणनीति तैयार कर ली गई है। तो दूसरी तरफ सरकार ने भी सवालों के जवाब तैयार कर लिए हैं कि सदन में किस प्रकार से विपक्ष को उनके तमाम सवालों के जवाब देने हैं। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और 5 दिवसीय सत्र, सदन में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, 5 दिन ये सत्र चलेगा, काफी हंगामेदार रहने के आसार है। बिल्कुल, शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और 5 दिवसीय तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में काफी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार तैयारी कर रही है कि सरकार को कैसे घेरें। इसी विधानसभा सत्र में कांग्रेस की तरफ से विश्वास प्रस्ताव की सूचना भी दी गई है और कांग्रेस का यही कहना है कि विधिवत हमने सूचना दी है, तो विधानसभा अध्यक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो इस सूचना को, इस प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे और हमें मौका देंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर यही कहना है कि जब जनता इनके साथ नहीं है, जनता का विश्वास इनके ऊपर नहीं है, तो कैसा अविश्वास प्रस्ताव। खासतौर से बात करें तो जो कांग्रेस है वो कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, खासतौर से कारम डैम की बात हो या तथाकथित जो राशन घोटाला है, पोषण आहार घोटाला है या यूरिया घोटाला है, महिला बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। और यही कारण है कि जब देर रात कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई थी, तमाम विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। करीब 400 से ज्यादा अधिक पन्नों का एक आरोप पत्र कांग्रेस ने तय किया है और अलग अलग विधायकों को रुचि के हिसाब से उन्हें तैयारी करने के लिए कहा गया है कि वो किस तरीके से सरकार को अलग अलग मामले में, अलग अलग विभाग के घोटालों के मामले से घेरने की कोशिश करें। तो देखना ही होगा कि आज जब 11 बजे की सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो कांग्रेस का क्या रवैया होता है, किस तरीके से आक्रामक तरीके से वो सरकार को घेरेगी और सरकार की भी तैयारी है कि वो विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे देगी। इसको लेकर इसके पहले ही 10:30 बजे एक कार्य मंत्रणा की बैठक भी होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और सचेतक सज्जन सिंह वर्मा शामिल होंगे और तय होगा कि आज की विधानसभा की कार्यवाही में कौन कौन से मुद्दों को शामिल किया जाए। जय बिल्कुल, तो देखना होगा कि आज का सत्र, ये जो 5 दिवसीय सत्र है जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही, काफी हंगामेदारी रहेगा। विपक्ष ने तमाम रणनीति सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयार कर ली है। इधर दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे, इसकी रणनीति भी सरकार की ओर से बना ली गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी के लिए।